नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाट बाजार करने गए आदिवासी नाबालिग साथ दुष्कर्म, आरोपी हुए गिरफ्तार। गोड्डा जिले के राजाबेटा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। भुक्तभोगी किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित इतवार मुर्मू को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। किशोरी को चिकित्सीय जांच के बाद तत्काल उसे स्वजनों के हवाले कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि रविवार को अवकाश होने के कारण किशोरी का अदालत में बयान क्रमबद्ध नहीं हो पाया है। अब उसे अगले किसी कार्य दिवस में कराया जाएगा। आप सबको बता दूं कि घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी में भुक्तभोगी किशोरी की मां ने ललमटिया थाना क्षेत्र के गड़ियाल गांव निवासी एतबार मुर्मू पर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। किशोरी राजाभिटा थाना क्षेत्र के बड़ोना तेलों के साप्ताहिक हाट करने बीते शनिवार को अपने घर से निकली थी। हाट के बाद जब किशोरी देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो स्वजनों को चिंता होने लगी। माता पिता सहित परिवार के अन्य सदस्य किशोरी को ढूंढने लगे, लेकिन शनिवार की पूरी रात उसका कोई पता नहीं चला। रविवार को जोजो टोला जंगल के पास उसकी पुत्री को अकेला छोड़कर दुष्कर्मी फरार हो गया। जंगल में किशोरी के साथ आसपास के ग्रामीणों ने आरोपित युवक को पहचान लिया। इसकी सूचना किशोरी के स्वजनों को दी गई। बाद में किशोरी की माता के फर्द बयान पर पुलिस ने कांड अंकित कर आरोपित युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। पुलिस ने आरोपित युवक को उसके गांव गड़ियाल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद ने किशोरी की चिकित्सीय जाँच की। बाबा धाम के लिए हवाई यात्रा की बुकिंग 28 जून से 12 जुलाई को पहली उड़ान। श्रावणी मेले से ठीक पहले देश भर के शिव भक्तों के साथ बाबा धाम की यात्रा करने का मन बना रहे श्रद्धालुओं समेत तमाम लोगों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। फ्लाइंग और लैंडिंग टेस्टिंग और टेक्निकल तौर पर ट्रायल में सफल होने के बाद देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह सेवा देने के लिए तैयार है। इसके लिए 28 जून से ऑनलाइन बुकिंग सेवा की शुरुआत भी होने जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग ऐप पर बाकायदा देवघर एयरपोर्ट के नाम को भी ब्रॉडकास्ट कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि देवघर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी, जिसके लिए टाइम शेड्यूल भी तय कर लिया गया है। देवघर से सुबह 10:15 पर कोलकाता के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। बता दें कि इंडिगो एयरबेस 320 ने देवघर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और फ्लाइंग टेस्टिंग पूरी कर सबसे पहले अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। इंडिगो की तरफ से 2 बार देवघर एयरपोर्ट पर ट्रायल भी किया गया है, जिसके बाद DGCA से हरी झंडी मिलने के बाद टाइम शेड्यूल तय कर उड़ान सेवा का ऐलान किया गया। हूल दिवस को लेकर पदयात्रियों का जत्था दुमका से भोगनाडी के लिए हुआ रवाना। 30 जून को होंगे कई कार्यक्रम। संथाल हुल की 167वें वर्षगांठ पर साहिबगंज के भोगनाडी में होने वाला आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा हुल के अमर नायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए दुमका से पदयात्रा की शुरुआत की गई। गोटा भारत सिद्धो कानो हुल बैसी और अन्य सहयोगी संस्थानों ने हुल दिवस को लेकर पदयात्रा का शुभारंभ पोखरा चौक में सिद्धो कानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। पदयात्रीगण वहां से पैदल चलकर लगभग 12 बजे दिन में सिद्धो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां कुलपति प्रोफेसर सुना जरिया मिंज के अगुवाई में पदयात्रियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित सिद्धो कानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विश्वविद्यालय में पदयात्रियों का जोरदार स्वागत भी किया गया तथा सभी पदयात्रियों को पंची प्रदान कर स्वागत किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि हुल दिवस को लेकर 30 जून तक विश्वविद्यालय परिसर में विविध कार्यक्रम आयोजित हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर SK सिन्हा द्वारा अपने अभिभाषण में पदयात्रियों का हौसला अफजाई करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह बंगाल के निवासी को बंगाली, बिहार के निवासी को बिहारी कहा जाता है, उसी तरह संथाल परगना के सभी निवासी संथाल हैं। इस अवसर पर संथाली के प्रसिद्ध लेखक सुंदर मनोज हेमरम का उपन्यास जुब्दी दिसोमरेन रेबेल का विमोचन भी किया गया। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने शिल्पी को दी बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन की युवा प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को विजयी होने पर बधाई दी। कहा कि धनबल, झूठ, छल, अहंकार और शोषण की राजनीति को मांडर की जनता ने चारों खाने जीत कर दिया। कहा कि झारखंड सरकार गरीब, शोषित और वंचित समाज के लिए नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा से जुड़ी कई कल्याणकारी योजना लेकर आई है। इन योजनाओं का आप जितना लाभ लेंगे उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। साथ ही कहा कि गरीब युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता के लिए जल्द योजना लेकर आ रहे हैं। पिता की जीत को शिल्पी तिर्की ने रखा बरकरार। 23,000 से अधिक वोट से बीजेपी प्रत्याशी को हराया।
मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने पिता की जीत को बरकरार रखा। शिल्पी ने बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 23,517 वोट से पराजित किया। शिल्पी नेहा तिर्की को 95,062 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 71,545 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर AIMIM समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान को 22,395 वोट मिले। इसके अलावा नोटा में 2,633 वोट पड़े। बता दें कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुआ था। आप सबको बता दूं कि रविवार को राजधानी रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में काउंटिंग हुई। कुल 21 राउंड की काउंटिंग हुई। काउंटिंग शुरू होते ही कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़त बनाई थी। पहले राउंड में शिल्पी को 3,990 वोट मिले थे, लेकिन दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने बढ़त बनाई और उसे 8,041 वोट मिले। इसके बाद से जो है कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त बनाती रही और अंत तक जारी रहा। इस जीत पर बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को बधाई दी है। झारखंड बोर्ड कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जल्द होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक जल्द ही कक्षा 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर सकती है। रिजल्ट को लेकर बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज या कल यानी कि सोमवार या मंगल को रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। झारखंड बोर्ड के हाईस्कूल के छात्र लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करना होगा। छात्रों का अपना रोल नंबर और रोल कोड सबमिट करना होगा, जिसके बाद ही रिजल्ट वेबसाइट पर शो किया जाएगा। झारखंड बोर्ड के मुताबिक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 24 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक किया था। झारखंड के आदिवासियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। घाटशिला में आयोजित मांझी प्रगना महल के 13वें महासम्मेलन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को 1:10 पर पहुंचना था, लेकिन वे लेट से पहुंचे। बारिश के बीच हेमंत सोरेन पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग छाता लेकर बैठे थे। सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। अपने सभ्यता परंपरा को बरकरार रखना हम लोगों का कर्तव्य है। नौकरी के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि 250 दिन में जेपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरवा कर लेकर रिजल्ट निकालकर अधिकारियों को योगदान भी करवा दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए बिना गारंटी ऋण की व्यवस्था बैंकों से की गई है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के द्वार भी खोल दिया गया है। विद्यार्थियों को सरकार अपने खर्च पर विदेश में पढ़ा रही है। आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार अनेक योजना भी चला रही है। जनजाति छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा भी दे रही है। विभिन्न जिलों में 90% आदिवासी कैद हैं। उनको रिहा कराने के लिए सरकार नियम बनाने पर विचार भी कर रही है। आदिवासी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातियों को ऋण देने की प्रक्रिया सरल करेगी। आप सबको बता दूं कि पीले पगड़ी और पारंपरिक धोती पहनकर विभिन्न गांव के ग्रामीण और ग्राम प्रधान पहुंचे थे। महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनकर कार्यक्रम में पहुंची थी। इधर सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पूरी तैयारी की गई थी। विधायक बनने के बाद बोली नेहा, जनता के विकास के लिए पिता के देखे सपने को करूंगी पूरा, सहयोग के लिए जताया उन्होंने आभार। रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी विजय के लिए जनता और पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए विकास के लिए पिता बंधु तिर्की के देखे सपने को पूरा करूंगी। नेहा ने जीत के साथ राजनीतिक के क्षेत्र में अपना कदम रखा है। आप सबको बता दूं कि नेहा ने इस बार जीत के साथ राजनीतिक के क्षेत्र में अपना कदम रखा है। नेहा तिर्की ने इस जीत को टीम वर्क का परिणाम बताया। कहा कि कहीं न कहीं उनके पिताजी बंधु तिर्की उनमें विधायक के गुण जरूर देखते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रत्याशी बनाया। नेहा ने कहा कि वह पिता के कार्यकाल में अधूरे रह गए काम को पूरा करूंगी। नेहा ने कहा कि उसे इस चुनाव को लेकर कभी भी डर नहीं लगा था, वह काफी आश्वस्त था। उन्हें लग रहा था कि वह चुनाव जरूर जीतेंगी। झारखंड में 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने पेंशन जयघोष महासम्मेलन में की घोषणा। राज्यभर से पहुंचे थे लोग। झारखंड में आगामी 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। रविवार को रांची में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर मोरहाबादी स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में
झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने भी हिस्सा लिया। राज्य कर्मियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन स्कीम लागू की समय अवधि घोषित कर देंगे। मुख्यमंत्री ने जन भावनाओं को पूरा करते हुए योजना लागू करने की समय सीमा तय कर दी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का रुख पहले से ही सकारात्मक रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले भी वचन दे चुके थे। वर्ष 2004 के बाद राज्य सेवा में बहाल कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।